पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके, जो भारत की भूमि का एक अभिन्न अंग है, हिस्टोरिकली पीओके प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। 1947 में ब्रिटिशर्स ने भारत का विभाजन कर दो अलग अलग देश बना दिए, लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जिनमें से एक प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान ने धोखाधड़ी से जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी और पश्तून ट्राइबमैन ने मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर के लोगों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किए, वहां के लोगों को लूटा और कई लोगों को मार दिया। यहां तक कि हॉस्पिटल्स पर भी हमला किया गया। तब राजा हरि सिंह ने भारत सरकार की मदद मांगी। राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इसके बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सोल्जर्स और पश्तूनी ट्राइबमैन को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत कभी पीओके को रिक्लेम कर पाएगा? चलिए इसकी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होना और पाकिस्तान को हरा कर भारत पीओके को रिक्लेम कर ले। लेकिन वॉर से आज तक किसका भला हुआ है? जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 930 डेज से ज्यादा हो चुके हैं और दोनों देशों का इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। अभी तक वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और सेम सिचुएशन इसराइल हमास वॉर और नागरनो काराबख में है, यानी वॉर करने से तो भारत का ही लॉस होगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन है कि भारत कन्वर्ट ऑपरेशन की मदद से पीओके के लोगों को सपोर्ट करे और वहां के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करें। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि पीओके के लोग ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार से परेशान हैं। पीओके में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और ना ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाई टैक्स बर्डन, स्काई हाई इन्फ्लेशन की वजह से पीओके के लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से कश्मीर में वॉयलेंस कम हो गई है और वहाँ डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए पीओके के लोगों को बिलीव है कि अगर वो भारत के साथ जुड़ते हैं, उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी यही कहना है कि भारत को पीओके को रिक्लेम करने के लिए वॉर नहीं लड़ना पड़ेगा, पीओके के लोग खुद भारत के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार तो ये भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की हियरिंग के दौरान पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और खुद की कोर्ट है और इसलिए पाकिस्तान के कोर्ट के जजमेंट कश्मीर पर अप्लाई नहीं होते हैं। और वहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी राजा हरि सिंह ने भारत के साथ साइन किया था, उसके अकॉर्डिंग भी कश्मीर भारत का ही पार्ट हुआ। इसके अलावा भारत यूनाइटेड नेशंस में अपने अलाइड कंट्रीज लाइक फ्रांस, रशिया, यूएसए की मदद ले सकता है। इन सभी देशों के पास वीटो पावर है और ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। इन फ्रेंडली कंट्री की मदद से भारत पीओके को रिक्लेम करने का मैटर यूनाइटेड नेशंस में रेस कर सकता है। तो इस मैटर पे आपके क्या व्यूज हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि भारत सरकार किस तरह पीओके को रिक्लेम कर सकती है।